शुंभ वध। ऋषि बोले, अपने प्राण प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु को देखकर और इस प्रकार सेना को भी मरता देखकर कुपित होकर शुंभ कहने लगा, अरे दुष्ट दुर्गे, तू बल के घमंड से गर्व मत कर। अरे अहंकारिणी, तू तो अन्य स्त्रियों के बल के सहारे लड़ रही है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ संसार भर में, मेरे समान दूसरा है कौन? ये तो मेरी विभूतियाँ हैं, मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। इतना कहते ही ब्रह्माणी आदि सभी शक्तियाँ उस देवी के शरीर में समा गईं, अकेली अंबिका देवी रह गईं। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति संपन्न अनेक विभूतियों के रूपों में यहाँ पहले विद्यमान थी, अब मैंने सभी रूप समेट लिए हैं, अब तो अकेली युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। ऋषि बोले, तब सभी देवता एवं दैत्यों के देखते देखते देवी और शुंभ इन दोनों में युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। जितने भी दिव्य से दिव्य अस्त्र अंबिका छोड़ती जाती, दैत्य उन्हें निवारक अस्त्रों द्वारा तोड़ता जाता। इसी प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल खेल में हुंकार आदि शब्दों द्वारा दैत्य से छोड़ दिव्य शस्त्रों को तोड़ती गईं। तदनंतर असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी ने भी कुपित होकर बाणों द्वारा उसका धनुष काट डाला। धनुष के टूट जाने पर दैत्य ने हाथ में शक्ति उठा ली। अभी शक्ति उसके हाथ में ही थी कि देवी ने चक्र द्वारा वह शक्ति काट डाली। तब दैत्यराज तलवार तथा 100 चंद्रमा वाली चमचमाती ढाल लेकर देवी पर झपटा। उसकी तलवार तथा सूर्य जैसी चमकती ढाल को देवी ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों से तुरंत काट दिया। रथ के घोड़े तथा सारथी को भी मार दिया। धनुष तो पहले ही कट चुका था, तब तो भयानक मुदकर को भी तीखे तीरों से काट दिया। फिर भी वह दैत्य मुक्का तान कर बड़े वेग से दौड़ा। जाते ही उस दैत्य ने देवी के हृदय में मुक्का मार दिया। देवी ने भी उसकी छाती पर एक चपेट जमा दी। देवी की उस चपेट के लगते ही वह दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरकर भी वह सहसा उसी प्रकार उठ खड़ा हुआ। वह उछलकर देवी को उठाकर आकाश में स्थित हो गया। वहां भी निराधार होकर वह चंडिका देवी के साथ युद्ध करने लगा। आकाश में उस समय दैत्य तथा चंडिका का आपस में घोर युद्ध हो रहा था। वह युद्ध मुनियों के लिए विस्मयकारक था। अब अंबिका ने उसके साथ देर तक युद्ध करते करते दैत्य को उठा लिया और उसे पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटक देने पर वह पृथ्वी पर आकर खड़ा हो गया। मुक्का तान वह दुष्ट देवी को मारने की इच्छा से बड़े वेग से दौड़ा। तब उस दैत्य को आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल भोंक दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के त्रिशूल से क्षत विक्षत होकर पृथ्वी पर पड़ते ही उसके प्राण निकल गए। उसका गिरना भी समुद्र द्वीप एवं पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते ही सारा जगत स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। आकाश भी बहुत ही साफ दिखाई देने लगा। पहले जो उपद्रवी मेघ उठ रहे थे तथा उल्कापात हो रहे थे, वे सभी शांत हो गए। दैत्यों के मारे जाने पर नदियां भी अपने अपने मार्ग पर चलने लगीं। उसकी मृत्यु होते ही सभी देवताओं के मन प्रसन्न हो गए। गंधर्व मनोहर गायन करने लगे, अप्सरागण नाचने लगी, दूसरे बाजे बजने लगे, वायु पवित्र होकर चलने लगी, दिशाओं की भयंकर आवाजें शांत हो गईं, प्रजा सुखी हुई और सर्वत्र शांति का साम्राज्य हो गया।